नमस्ते भरत, किसान पाठशाला बी किसान की ओर से ऑक्सीजन पार्क को लीड करने के लिए अपनी टीम से मैं चिराग पटेल मोरबी से। पिछले वीडियो के अंदर में हमने देखा था प्लांटेशन किस तरीके से, कौन से साइज पे और क्या आयाम रहते हैं प्लांटेशन के। ऊपरी हद पे बनाऊ छोटी सी लाइन पे गवर्नमेंट बेस, एग्रीकल्चर बेस, बाउंड्री, डेंस फॉरेस्ट्री, जो भी आप करते हो, सबको मैच्योर होने के लिए समय लगेगा। ये पार्ट टू हम जो बना रहे हैं वो बेसिकली इसी पे है कि क्या ध्यान रखना है, कौन से लेवल पे, कौन सी चीज का और क्यों। कई मित्र कहते हैं सिर्फ ऑफिस पर बैठ के ही वीडियो बना के बात नहीं बनती है, बात सही आती है। हम अलग अलग आयाम में काम करते हैं, जिसमें से कई आयाम ऐसे हैं जो ऑफिस पे बैठ के ही हो पाते हैं, कई आयाम ऐसे हैं जो हमें उठ के ऑल ओवर इंडिया के अंदर में घूमने जाना पड़ता है। बांस बांस से जुड़े हुए अधिक से अधिक लोगों को मिलके हम लोग रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और वही चीज आप तक पहुंचाने में मीडिया के सहयोग से, एक चैनल के सहयोग से आप तक पहुंचा रहे हैं। मेन चीज ये थी कि क्या प्रिकॉशन रखना है इसके अंदर में, क्या चीज का ध्यान रखना है अभी बांस के लिए। बांस कोई भी लगाओ, किसी से भी लगाओ, कितना भी लगाओ, कुछ कुछ चीजें हैं जो जरूरी है, जो थंब रूल है, जिसको समझना पड़ेगा। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया बांस साइज पे क्या लगेगा, अगर एग्रीकल्चर फील्ड पे करते हैं तो रो टू रो 12 फीट, प्लांट टू प्लांट 6 फीट। उस तरीके से 4 साल लगेगा बांस को पूरा मैच्योर्ड होने में। ऑक्सीजन पार्क किसान पाठशाला का नया आयाम ऑक्सीजन पार्क, बांस बांबू किस तरीके से 4 साल तक आगे बढ़ेगा देखते हैं। सपोज करिए ये अपना एक पौधा है, जब हम प्लांटेशन से पहले जो पौधा लिया था ये उसकी बात है। पिछले वीडियो में भी यही बताया गया था इनसाइड पे राइजोम होते हैं, यहीं से बात शुरू की थी अपन ने। इसी को हमने वैश्वानामेटा के अंदर में डंप किया था, मिट्टी निकाली थी, खाद डाला, वर्मी कंपोस्ट डाला, कुछ भी जो अवेलेबल था वो मेन्यू डाला और प्लांटेशन अपन ने पूरा किया था। ये बढ़ता कैसे है, आगे कैसे बढ़ता है, कितना चलता है, क्यों फास्ट भागता है, क्या चीज है, उसके आयाम भी इस बार चर्चा करेंगे। ये जो इसके अंदर में राइजोम है, इसी राइजोम से, इसी गुठली से सेब कोई भी हो सकता है, ये राइजोम है। कुछ चीजें हैं जो इमेजिनेशन से बता पाऊंगा, कुछ चीजें हैं जो आप पौधे लेकर खुद अपने फार्म के अंदर में पौधे में से राइजोम को, जो पॉलीथिन है उसको निकाल के उसमें से राइजोम क्या है वो देख भी पाओगे। ये जो राइजोम है उसमें से ये सूट निकलता है, ये जो सूट निकला हुआ है ये यहां पर है, ये सूट ये इस तरीके से निकलता है। जो पौधा हमने लगाया था उसकी एक हाइट फिक्स रहती है एज लिमिटेशन के हिसाब से, उसके बाद वो पौधा बढ़ता नहीं है, उसके बाद नया सूट निकलता है। वो नया सूट जो भी निकलेगा वो उससे लंबा निकलेगा और उससे थिक निकलेगा। ये समझ लीजिए कि ये सूट लंबा और थिक उसके बाद में बना, पत्तियां निकलती रहेगी।
पहला सूट, उसके बाद का ये दूसरा सूट निकला। वैसे ही उसके बाद नीचे इसकी भी हाइट और लिमिटेशंस ये तय है, उसके बाद ये नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद वैसे ही दूसरा एक सूट उसके बाद निकलेगा। जो भी सूट निकलेगा वो पहला जो निकला होगा उससे ऊंचा और उससे थिक मोटा ये बनेगा। जैसे ये था, उसके बाद ये आया, उसके बाद जो आएगा वो उससे भी मोटा आएगा, उससे भी हाइट में ऊपर जाएगा। इस तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा सूट लगातार एक के बाद एक आते जाएंगे और उसी हिसाब से थिकनेस जो है वो पहले पतली उंगली की तरह या डंडी की तरह, उसके बाद उंगली की तरह, उसके बाद थिकनेस बढ़ेगी थंब की तरह, उसके बाद थोड़ा थोड़ा और थिकनेस बनेगा और अपने कंधे जितना, उसके बाद और थिकनेस बढ़ेगा, वो मोटा जो है वो होता जाएगा। ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट ओनली एंड ओनली इसके अंदर छुपे हुए राइजोम का है। हमने इसको डाल दिया है मिट्टी में, जैसे ये मिट्टी हो गई, ये जमीन है अपनी, जमीन के अंदर से इसके मूल जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे, वहां से राइजोम डेवलप होते जाएंगे। जहां से राइजोम डेवलप होंगे वहां से फिर से सूट निकलना चालू हो जाएगा। एक में से ही दो तीन चार पांच छह सात आठ, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें से ये मूल है, ऐसे समझ लीजिए जमीन के अंदर का हिस्सा है, ये जमीन के नीचे का हिस्सा है जिसके अंदर में ये अलग अलग राइजोम डेवलप हो रहे हैं। जो भी राइजोम डेवलप होगा वो अपने हिसाब से अपना सूट निकालेगा, पहले से दूसरा बड़ा मोटा, दूसरे से तीसरा मोटा, तीसरे से चौथा मोटा। इस तरीके से इसके सूट जो है वो साइज और थिकनेस के अंदर में बढ़ते जाएंगे। ये समझ में आया? एक छोटा प्रिंट किया हुआ है, शायद मैं उतना ड्रॉ नहीं कर पाया हूं, वो चीज आपको दिखाता हूं। नजदीक से देख लीजिए एक बार, आ रहा है सही से? ये है इसका ग्रोथ लेवल, पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, एक नंबर, फिर दो नंबर, फिर तीन नंबर, फिर चार नंबर। ऐसे हाइट भी बढ़ती जाएगी मैच्योरिटी के हिसाब से और थिकनेस भी बढ़ती जाएगी। समझिएगा इसके अंदर में होता क्या है, जैसा हम ह्यूमन बीइंग है, हम लोगों की भी एक एज रहती है तब तक हमारी सबकी हाइट बढ़ती है। सही बात है, मानते हैं इस बात को आप सब? हम ह्यूमन बीइंग की भी हाइट, पशु की भी, किसी की भी हाइट एक समय तक बढ़ती है, उसके बाद की हाइट बढ़ती है। 18 साल 20 साल तक हम धीरे धीरे छोटे थे, उससे बड़े 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 होते जाते हैं, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। सिमिलरली इसके अंदर में भी सिमिलरली चीज चलती है। सपोज करिए ये पहले साल का पौधा है, फर्स्ट ईयर, पहले साल का पौधा है, पहले साल के अंदर में उसमें से सूट्स निकलेगी अलग अलग, एक मैच्योरिटी पे आके ये अटक जाएगी। सपोज करिए कि ये हाइट जो है एक साल के बाद ये पौधा जो है खेत में लगने के बाद जो हाइट बढ़ाएगा वो हाइट तकरीबन इन्होंने 10 फीट से लेकर 12 फीट की हाइट ली। ये एक साल पूरा हो गया इसका, एक साल। ये पहले साल में 10 से 12 फीट की हाइट बनाता है, वैसे ही दूसरे साल यही पौधा नए नए सूट निकलता जाएगा और हाइट जो है वो चेंज होती जाएगी। पहला पौधा अगर 2.5 फीट का है, उसके बाद उसकी हाइट जो है नहीं बढ़ रही है, तो उसके बाद वो खत्म उसकी हाइट, उसके बाद थिकनेस बढ़ाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, ऐसे पोल के बाद पोल जो है कंटिन्यूस आते रहेंगे। पहले साल में 10 से 12 फीट का हाइट लिया, दूसरे साल में वही जो है 20 से 24 फीट की हाइट पे गया, वही तीसरे साल और फिर चौथे साल। मैं ये बल्कुआ वैरायटी के बारे में बात कर रहा हूं,
ये तीसरे साल, ये चौथे साल, ये तीसरे साल में उससे भी बढ़ेगा। नए पोल आ रहे हैं, पुराने पोल की हाइट लिमिट पूरी हो गई, नए पोल आते रहेंगे, पुराने भी इसमें रहेंगे। अगर मैं कलर चेंज करूं, जैसे ये दूसरे साल का है तो पहले साल का भी इसके अंदर में होगा ना, पहले साल के भी रहेगा, दूसरे साल के नए पोल आएंगे, नए पोल ऊपर जाएंगे। वैसे इसमें पहले दूसरे और तीसरे साल का रहेगा, इसमें 10-12 फीट की हाइट भी रहेगी, 20-24 फीट की हाइट भी रहेगी, और उसके बाद ये तीसरे साल जो इन्होंने हाइट ली होगी 30 से लेकर 35 फीट, वो ये तीसरे साल वाला हुआ, ये 30 से 35 फीट की हाइट पकड़ेगा। वही चौथे साल में जब पूरा मैच्योर होगा हाइट के हिसाब से, ये पोल है अलग अलग, तो चौथे साल वाले जो हाइट वाले आएंगे ये 45 से लेकर 50 फीट ये हाइट पकड़ेंगे, जमीन पानी वातावरण सब अनुकूल होने के हिसाब से। लेकिन पकड़ते हैं आराम से, जैसे तीसरे साल वाले भी उसमें होंगे, दूसरे साल वाले भी होंगे, और उसके अंदर में पहले साल वाले भी होंगे, छोटे वाले भी। पहला साल 10 से 12 फीट हाइट, दूसरा साल 20 से 24 फीट हाइट, तीसरा साल 30 से 35 फीट हाइट, चौथे साल पे 45 से 50 फीट की हाइट। ये ग्रेजुअली हाइट ग्रोथिंग जो है वो पीरियड इसका रहता है, धीरे धीरे हाइट बढ़ती है। अगर जमीन के अंदर में क्षमता पहले और दूसरे साल में पूरी थी तो ये पिकिंग हर हिसाब से पूरा कर लेगा। यदि तीसरे साल में हाइट ग्रोथ के हिसाब से नहीं बढ़ रही है तो यहाँ पर न्यूट्रिशन की जरूरत जो रहेगी वो न्यूट्रिशन इसको देना रहेगा। यदि पहले साल की जमीन अपनी मिट्टी सोयल जो है उसके अंदर में हैवी न्यूट्रिशन नहीं है तो पहले साल में वो पिक पूरा करेगा, दूसरे साल पे अटकेगा, जहां अटक रहा है वहां न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, तो वो पिकिंग अपने हिसाब से पूरा जोर से करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खर्चा बहुत ज्यादा करना है, मैं ये कह रहा हूँ जिस चीज की जिस मात्रा की उसको जरूरत है उसको समझ के उसमें डालेंगे। तो जितना हम कॉमर्शियल एंगल से बैठते हैं, जब हम कैलकुलेटिव होकर बैठते हैं, जब हम उसमें कुछ डाल के कुछ निकालने की बात करते हैं, तब ये सारी चीज की अपने को जरूरत रहती है कि हम जितना डालें उतना निकाले। जो निकालने का सपना हम कैलकुलेटर लेकर बैठते हैं पौधा खेत पे लगाने से पहले, वो कागज बनाना जरूरी है, वो कागज कैलकुलेशन के हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम जितना लेने की आशा रख रहे हैं उतना ही हम देकर उसमें से निकाल पाए। उसी हिसाब से निकलता है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। यहां पर बलकुआ वेराइटी जो है वो बलकुआ वेराइटी का हाइट कैपेसिटी मैक्सिमम 50 से 55 फीट रहता है, 45 से 50 आम आ जाता है, 50-55 तक की हाइट इसकी मैक्सिमम रहती है। वहां पर उसकी हाइट लिमिटेशंस जो है वो क्लियर हो जाती है, उसके बाद उसकी हाइट बढ़ती नहीं है। चौथे साल के अंदर में चाहे 4 पोल निकले आपके, चाहे 6 निकले, चाहे 8 निकले, वो जहां तक के स्तर पे रहेगा वहां पर आकर वो अटक जाएगा, उससे ऊपर उसकी हाइट बढ़ती नहीं है। ये ड्रो मैंने कच्चा किया है, आपको जूम इन करके वही ड्रो जो है दिखाता हूं, आपको साइज वाइज समझ में आए। समझ सकते हैं आप, अगर दिख रहा है आपको पूरा नॉर्मली, तो पहले साल में, दूसरे साल में उससे बड़ा, तीसरे साल में उससे बड़ा, लेकिन तीसरे साल के अंदर में दूसरे साल वाला भी है और पहले साल वाला भी है। चौथे साल में वही सेम सिस्टम, चौथे में तीसरा भी है, दूसरा भी है और पहला भी है। इस हिसाब से हाइट मैच्योरिटी पीरियड जो है इसका, यहां पर हाइट मैच्योरिटी पीरियड इसका पूरा होता है, ये हाइट मैच्योरिटी सिस्टम इसका जो है वो पूरा होता है। अभी देखते हैं थिकनेस मैच्योरिटी क्या, किस हिसाब से हाइट बढ़ गया, 4 साल पूरा हो गया उसका। हम 4 साल ही क्यों कहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको 4 साल में ही कट कर सकते हैं। अगर बायोमास के लिए चाहिए 2 साल में कटिंग हो सकता है, 1.5 साल में कटिंग हो सकता है, 2.5 साल में कटिंग हो सकता है, लेकिन बीच में जो बालकुआ के अंदर में खास खासियत जो है वो किस चीज की है,
उसके बायोमास की, उसकी थिकनेस की, अंदर होलो नहीं है, पूरा पल्पिंग से भरा हुआ है उसकी, उसके लिए उसका 4 साल क्यों लग रहा है हाइट को बढ़ाने में भी? शायद मोटा मोटा समझ में आ गया होगा आपको, फिर भी बता देता हूं। बांस को ही हमने कट किया, सपोज करिए कि 4 साल के अंदर में है ये, हाइट पूरा मैच्योर हो गया उसका, ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये होलो भाग है, ये जो होलो भाग है उसको फीडिंग करने में भी टाइम लगता है। ये पहले साल में ही सीधा बांस जैसे ही निकला वो ठोस हो गया ऐसे नहीं होता है, बीच में से पोल होता है, धीरे धीरे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल वो पोल जो है बीच में से पल्पिंग से भर जाता है। ये पल्पिंग से जो भरने वाली जो सिस्टम है उसके लिए हमें उसको पूरा मेच्योरिटी का टाइम देना पड़ता है 10 साल का। पहले 4 साल के अंदर में वो हाइट बढ़ा देता है और उसके बाद में उसकी थिकनेस बढ़ती है और अंदर की तरफ का जो पल्प है वो पल्प से वो भरता है, तब जाकर उसमें थिकनेस जो है वो मैच्योर होती है, वजन जो है वो बढ़ता है। ये चीज है, ये भरता कैसे है, जैसे ये पूरा बांस है ऊपर से नीचे तक का, जहां पर भी ये इसकी आंख है, ये जहां पर भी आंख है यहां से नीचे से ये चीज को अंदर लाता है और इसके अंदर में जितने भी तना है वो तने के अंदर में ये भरता है। ये आंख से आंख का जो उसका है ये इतना भरा हुआ है, समझ ये भरा हुआ है, ये भी खाली है। तो जैसे जैसे आगे क्रम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नीचे से अपटेक करते जाते हैं और अपटेक करने के बाद में ये ऐसे मैच्योरिटी के हिसाब से इसको भरते जाते हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे ये भरता जाएगा, पहले ये भरा हुआ था, पहले बोल भरी हुई थी, उसके बाद में धीरे 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 अंदर का कोर जो है वो भरता जाएगा, वैसे वैसे इसका जो है वो मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, चीज को अपने हिसाब से वो वजन में कन्वर्ट करता जाएगा। ये आंख से आंख नीचे से लेकर अपटेक करती जाएगी, यूं भी बढ़ेगी और यूं भी बढ़ेगी, तो बीच का होल जो है वो पोल जो था वो पोल जो है वो निकल जाएगा, उसमें पल्प जो है वो आ जाएगा। कई लोग पूछते हैं ऐसा थोड़ी होता है, तीसरे साल चौथे साल में कटिंग करेंगे तो जितना वजन आएगा उससे 5वें साल में बढ़ेगा, 6वें साल में और बढ़ेगा, 7वें साल में और बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो जो आता है वही आएगा, वो बढ़ थोड़ी सकता है, लेकिन नहीं वो बढ़ता है क्यों और कैसे? पहले अपन ने ये समझा, पहले साल की हाइट, दूसरे साल की हाइट, तीसरे साल की हाइट और चौथे साल की हाइट, ऐसे 1 2 3 4 4 साल की हाइट अपन ने समझी। जब चौथा साल पूरा होता है, हाइट मैच्योरिटी उसकी पूरी हो जाती है, तब थिकनेस बढ़ती है। कैसे? सपोज करिए कि ये चौथा साल का है, ये चौथे साल का है, चौथे साल के अंदर में जो थिकनेस आई हुई है उस थिकनेस से 5वें साल के अंदर में उसकी थिकनेस बढ़ेगी। समझने में क्या कहना चाहता हूं? चौथे साल से 5वें साल की थिकनेस बढ़ती है, हाइट पूरी मैच्योर हो गई है, अंदर से पल्पिंग भी आ रहा है, वो पल्पिंग जाएगा कहां पर? वो ब्रॉड होगा,
और ब्रॉड में चौथे साल से पांचवें साल की बढ़ेगी, वैसे ही छठा, सातवां, आठवां, नौवां और दसवां। यहां पर पूरा दिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ इमेजिनेशन आप करिएगा। फिर आप कहेंगे थोड़ा क्वालिटी का काम नहीं हुआ, अपने को जाना है क्वालिटी का। सातवां, आठवां, नौवां और दसवां। मैच्योरिटी के हिसाब से थिकनेस जो है वो थिकनेस बढ़ेगी, समझिएगा। जैसे जैसे साल बढ़ा वैसे वैसे थिकनेस बढ़ी। दसवें साल पे इसकी मैच्योरिटी जो है वो कंप्लीट होगी। इसके अंदर में पोल जो है, होल जो है वो कम से कम रहेगा, थिकनेस भी पूरी बढ़ा देगा और होल अंदर कम से कम रहेगा। इसके बाद इसकी थिकनेस चाहे वो 11 साल से लेकर 50 साल का, 70 साल का, जब तक का उसका आयुष्य है तब तक के लिए वो सिमिलरली नीचे से शूट देगा और उसी शूट के हिसाब से ये कंप्लीट चलेगा, इससे ज्यादा ही नहीं बढ़ सकता। इसलिए यदि चौथे साल पे ये पीरियड पे, ये मैच्योरिटी पीरियड पे, ये मैच्योरिटी पीरियड पे चौथे साल पे पहला हार्वेस्टिंग हम जब लेते हैं तब प्रति एकड़ यदि अपने को 30 से लेकर 40 टन यदि हमें मटेरियल मिल रहा है तो उससे आगे जब वो पांचवें साल पे जाता है थिकनेस बढ़ती है, हम उसको 34 से लेकर 38 टन के अंदर में रूपांतरित कर सकते हैं। वही 34 टन यहां पर 40, 42, 45 तक जा सकता है, 42-45 तक। वैसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा टनेज के हिसाब से। उसका कैलकुलेशन भी समझाता हूँ क्या कैसे किस हिसाब से होता है। हवा में बात कुछ भी नहीं है, जहां पर लोगों के यहाँ कटिंग हो रही है, बांस बिक रहा है, परचेजिंग हो रही है, वजन काटा हो रहा है, प्रति एकड़ क्या निकल रहा है, ये सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद विथ बायोमास 100%। ऐसा नहीं कि हम 5 साल का मैच्योरी लेंगे, हम 3 साल का मैच्योरी लेंगे, हम यही करेंगे, भीड़े में से जो पक चुका है, जिसका पानी चला गया है उसी को नापेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, ना। जहां बायोमास रिलेटेड बात आती है तो इसकी पत्ती भी बिकती है, साइड ब्रांचेस भी बिकता है, मूल पोल भी बिकता है और इजी टू अवेलेबिलिटी, हम कब तक इंडस्ट्री तक पहुंचाए ये हमें इसमें देखना रहता है। 30, 35, 40, 45, 50, 55 ये बढ़ता रहेगा। क्या डिपेंड करेगा, कहां से शुरुआत करेंगे, ये चीज भी आपको बता देता हूं। ये थिकनेसिस जो अपन बात कर रहे थे कि क्या थिकनेसिस होती है, किस हिसाब से थिकनेसिस पे काम होता है, ये है थिकनेसिस। देखिए, चौथा साल पतला, पांचवें साल उससे मोटा, छठे साल और मोटा, सातवें साल और मोटा, आठवें साल और मोटा, नौवां और दसवां, ठीक है। ये इस तरीके से अपने आप में खुद की बढ़ोतरी कैसे करना, उस हिसाब से ये प्लस होता जाता है। हम कह सकते हैं कि हम अगर बांबू का प्लांटेशन कर रहे हैं पहले और दूसरे साल, जब हम 12x6 के अंदर में खेती, अभी हमने समझा ये बांस कैसे बढ़ेगा, रिपीट करियो, बांस कैसे बढ़ेगा, फिर रिपीट, बांस कैसे बढ़ेगा। वो इसलिए क्योंकि हमने पौधा लगाया था छोटा सा, वो बड़ा, उससे और बड़ा, उससे और बड़ा, तो हमें यह समझने की जरूरत थी थंब रूल की कि इसमें है कुछ भी चीज नहीं,
पोल आते हैं वन बाय वन बाय वन बाय वन, और सारे पोल जो है वो पहले से हाइट में बढ़ा, थिकनेस में बढ़ा, सिंपल सिस्टम। इसके अंदर में जब हम 12x6 की खेती की बात करते हैं, अगर हम बलकुआ वैरायटी में गए, 12x6 की बांस की खेती की बात की हमने, ये प्लांटेशन हमने किया, इस प्लांटेशन के अंदर में पहले साल में अगर सिंगल ड्रिप है, अगर ड्रिप इरिगेशन से करते हैं तो सिंगल ड्रिप में अपना काम हो जाता है। यदि सिंगल ड्रिप नहीं है तो यहां पर ड्रिप जहां मैंने दिखाई है उसके जगह पर आपको पानी देने के लिए नाली जो बनाते हैं वो नाली बनानी पड़ेगी, वो पानी आपका खेत के अंदर में सिमिलरली सिस्टम में कम साइज पे पूरे तक पहुंचे प्लांटेशन के अंदर में। जो प्लांट करेंगे वो नाली के अंदर नहीं करेंगे, नाली के बाहर ऊपर की तरफ में प्लांटेशन करेंगे। इसके अंदर में खास ध्यान ये रखना है अपने को कि हम यहां पर पहला और दूसरा साल जब तक ये बढ़ता नहीं है, जैसे इसकी हाइट अभी समझ लीजिए कम है, तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से धीरे तो निकलते रहेंगे। ये एक ही खेत है, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये आगे बढ़ता है। पहले हम इसमें बीच में जो एग्रीकल्चर अपने को करना है, कल्टीवेशन जो भी करना है वो हम यहां पर कर सकते हैं बड़े आराम से। ये अपना 10 फीट से ऊपर ऊपर की हाइट आराम से मिलती है जब हम इसको 12 फीट पे लगा रहे हैं, तो दोनों तरफ से एक एक फीट छूट जाएगा, फिर भी 10 फीट की हाइट रहेगी। 10 फीट के अंदर में आप जो प्लांटेशन रेगुलर बेस पे कर रहे हो, चाहे आप कॉटन कर रहे हो, मूंगफली कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो वहां पर हो सकता है, सोयाबीन कर रहे हो, जो भी करते हो आपके रेगुलर क्रॉपिंग के हिसाब से। जब ये दूसरे साल में आता है, हमने पहले साल तक देखा, एक ही खेत है लेकिन अपन देख रहे हैं कि दूसरे साल में जब ये बढ़ेगा तब इसकी हाइट बढ़ेगी और विड्थ भी थोड़ी बढ़ेगी। पहले साल के मुकाबले दूसरे साल में हाइट बढ़ेगी। ये यदि 10 फीट कवर करता था तो छांव थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू पहले साल में होगी। दूसरे साल के अंदर में यही चीज जो है वो आप कल्टीवेट कर पाओगे, लेकिन 10 फीट की जगह पर यहां पर आपका 8 फीट या 9 फीट मैक्सिमम आप यूज कर पाओगे कल्टीवेशन के लिए। जगह अपनी 12 फीट ही थी लेकिन यहां पर थोड़ी सी जगह आपकी छूटेगी, वहां 4 लाइन अगर आती थी आपकी तो यहां पर 3 लाइन आएगी। तो पहले साल आप कल्टीवेशन इजीली कर सकोगे रेगुलर, दूसरे साल भी आप रेगुलर कल्टीवेशन इजीली कर पाओगे। जब आप तीसरे साल के लिए जाओगे, नेक्स्ट लाइन ओवर कर लेते हैं, तब तीसरे साल में होगा ऐसा कि बांस की खुद की यदि ये हाइट में देखे, पहले साल के हाइट में देखे तो ये 10 फीट था, ये 20 फीट हो गया, और अभी जब 30 फीट की ये हाइट आती है तब बीच में जो है ये दोनों के बीच का अंतर तो 12 फीट था, 30 फीट की हाइट ले रहा है, तो बीच में अब जो अंतर्वस्तीय फसल हम जब करने चाहते हैं तब अंतर्वस्तीय फसल अपनी हो नहीं पाती है, या तो वो होती है जिसको सूरज की रोशनी कम से कम चाहिए, जो सूरज की रोशनी जिसमें कम से कम चाहिए होती है वो अंतर्वस्तीय फसल हम ले पाएंगे, जैसे मशरूम है, अदरक है, हल्दी है। हल्दी को भी थोड़ा लगेगा वो दूसरे साल तीसरे साल तक चल सकेगा, और वो मरी मसाले सारे चलेंगे जिसको कम से कम रोशनी चाहिए, और यहां पर इसकी हाइट जो है उस टाइम पे और बढ़ जाती है। यूं हाइट बढ़ जाने के कारण बीच में छांव आ जाएगी, छांव आने के कारण वहां पर रूटिंग परंपरागत खेती जो हम कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, वहां पे अपने को ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, और वहां पर हमने वो फसलें लेनी पड़ेगी जिसकी सनलाइट कम लगती हो, जिसको सनलाइट कम लगता है वो फसल हम तीसरे साल से लेकर आगे ले सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक। मशरूम वगैरह है जिसको चाहिए कम से कम जगह, कम से कम रोशनी, तो मशरूम वगैरह हम सालों तक ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से
हम पहले दूसरे साल इसकी ही क्रॉपिंग लेंगे, तीसरे साल या तो हम खेती बाड़ी में जो कर रहे हैं उससे दूसरा करने में इच्छुक नहीं है तो तीसरा साल हम छोड़ देंगे, चौथे साल से तो खुद बांस कटिंग करने के लिए रेडी हो चुका होगा और अपन फसल उसमें से ले सकते हैं। फिर से कह रहा हूं, बांस को काट आप 1.5 साल में भी सकते हो, 2 साल में भी सकते हो। जैसे आपके आसपास में वेजिटेबल्स वगैरह कोई करता है, उसको पोल चाहिए होते हैं, तो वो जिसको भी पोल चाहिए उसको दूसरे साल में 20 फीट की हाइट हो चुकी है, तो ऊपर का 5-6 फीट पतला वाला जो रहेगा वो उसको नहीं चलेगा, लेकिन नीचे का 12 से 16 फीट तक का जो हिस्सा है वो उसको चल सकता है। तो अगर 8-8 फीट चाहिए तो 2 टुकड़े करके दे सकते हैं, या 12 फीट का एक चाहिए तो लंबा दे सकते हैं। तो ऐसे पोल भी आप कटिंग करके उनको दे सकते हैं, क्योंकि जब वो ग्रीन है तब आप उसको काट के उनको देंगे तो नए पोल तो आ ही रहेंगे, उसके बाद दूसरा तीसरा पोल तो चालू ही रहेगा, तो आराम से आप बीच में से पोल को कट करके भी बेच सकते हैं। बायोमास रिलेटेड वो बात नहीं हुई, वो बात हुई पोल को बेचने की, जिस पोल खड़ा करके वेजिटेबल्स वाले जो है वो हैंग करने में उनको काम आता है। इस तरीके से हम अलग अलग छोर पे अपना काम इजी कर सकते हैं। समझिएगा, आपने बांस लगाया तो बीच में 70-75% तक आपकी लैंड पे एग्रीकल्चर हो ही सकता है, चाहे वो 2 साल के लिए करिए, उसके बाद अगर आपको इनकम ज्यादा ही बांस से मिल रही है तो फिर आपको बीच में कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अंदर में पानी जो दे रहे हैं आप, उसका वाटर मैनेजमेंट का मामला सबसे बड़ा रहता है। वाटर मैनेजमेंट अगर रेगुलर बेस पे आप करते हो तो आपको दूसरी कोई चीज की आवश्यकता रहती नहीं है। जो ये 12 फीट बाई 12 फीट में जो हम लगाते हैं, ये लैंड है, समझ लीजिए ये 2 लाइन के बीच की जगह है, ये बांस लगा हुआ है। ये बांस ही होगा क्या, जमीन को सुधारने के लिए भी यही काम करता है, चाहे आपका सलाइन वाटर है, चाहे आपकी मिट्टी के अंदर में क्षार है, किस तरीके के ये इसको चेंज करेगा उसको समझिए। पहले दूसरे तीसरे चौथे साल, 4 साल हमें इसको देना पड़ेगा, 4 साल में ये पूरी इकोलॉजी को जो है वो चेंज कर देगा। इसके जो रूट है ये भी बता दूं आपको, इसके जो रूट निकले हैं ये रूट डेप्थ में 2 से 2.5 फीट तक जाते हैं जमीन के अंदर में, ज्यादातर रूट जो है उसके हॉरिजेंटल चलते हैं, और रूट में से ही वो गुटलियां बनती है, और गुटलियां खुद ऊपर आकर उसी के पोल बनते हैं, और ये नए बिर्रे यहां से निकलते हैं। जमीन जो अपनी सलाइन थी, पानी जिसके अंदर में सलाइन जा रहा है, या तो जमीन पानी को अगर सही नहीं है तो भी अगर बांस लगाया आपने, तो इसके अंदर में सबसे ज्यादा जो है वो इसके पत्ते गिरते हैं। ये जो पत्ते गिरेंगे ये जमीन को 2 साल के बाद में एक लेयर में कन्वर्ट कर देंगे, जहां पर सिर्फ पत्ते रहेंगे सभी तरफ से, क्योंकि वो 12 12 बार की लाइन लगी रहेगी। हम करते क्या है, हम मनुष्य अपना दिमाग वहां पर लगाना चालू कर देते हैं, खेत के अंदर में कचरा चाहिए ही नहीं, हम क्लीन कर देते हैं। एक्चुअल में क्लीन नहीं करना है, यहां जितने भी पत्ते ऊपर से गिर रहे हैं ये पत्ते गिरने का कारण ही ये है कि हमें जो सन हार्वेस्टिंग चाहिए वो बांस के पोल पे चाहिए, जो इसमें से टहनिया डालिया जो निकल रही है उसको चाहिए, सन चाहिए किसको, जो इसके पत्तियां हैं उसको चाहिए ना। जो जमीन हमारी पड़ी हुई है वो जमीन के नीचे, यहां पर माइक्रो बैक्टीरियल एक्टिविटीज जो होनी थी, जो सूक्ष्म जीव अपना काम करना था,
वो काम करने के लिए ही इन्होंने पत्ते यहाँ पर बिखेरे हैं, वही पत्ते के अंदर में बारिश का पानी और जो आप पानी दे रहे हैं वो पानी गया है, तो इसी में से जो रस बहेगा वो रस ही तो भोजन है सूक्ष्म जीवों का, और उसी के कारण तो वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर में अर्थ वगैरह बाहर आते हैं, ह्यूमिक एसिड बनता है, जमीन फूलती है सुधरती है, वो उसी सारे जीव के हेल्पिंग से ही हो रहा है। ये पूरी जमीन का जो नेचर है वो जमीन का सुधार वहां से शुरू होता है, अंदर जो काम कर रहे थे उसके कारण। यहां पर जितने पत्ते गिरे हैं वो पत्ते को रहने देना है, जितना पत्ता रहेगा ऑटोमेटिकली वहां से शूट्स भी ज्यादा निकलेंगे, जमीन भी सुधरेगी, और हमें जो करना है मैनेजमेंट सन हार्वेस्टिंग वाला वो इसका ही करना है जो बांस खुद करने को कैपेबल है, हमें कुछ इसके अंदर में अलग से बाहर से करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ इतना छोड़ दें कि ये जितनी जगह पड़ी है जहां पर पत्ते गिरे हैं, ये पत्ते गिरना हमें इधर उधर करना नहीं है, इसको गिरने ही रहना चाहिए, ये गोल्डन लीफ है। हम बार बार बैक्टीरिया इसके अंदर में डालते हैं, बाहर से बोतल ले आके या अमृत जल जीवामृत या गौमृतम घोल कोई भी तरीके का बनाते हैं, वो बनाने के बाद इसको अगर हम क्लीन कर देते हैं, सूरज की रोशनी सीधी बीच में पड़ती है तो फिर तकलीफ आना शुरू होती है, बैक्टीरिया मरते हैं, फिर बार बार बैक्टीरिया डालना पड़ता है। इसके अंदर में ये इको सिस्टम खुद अपने हिसाब से डेवलप होता है, हमें दूसरा कुछ करने की बाहर से आवश्यकता रहती नहीं है। ये जरूरी है सिर्फ क्लीनिंग नहीं करना है, बाकी जो अपने आप वो कर रहा है इकोलॉजी को इको सिस्टम को डेवलप करने के लिए वो बात खुद कर रहा है, हमें कुछ करना नहीं है इसके अंदर में। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या समझे हम इस सेशन में? इस सेशन में हम सिर्फ इतना ही समझ पाए थे कि प्लांटेशन होने के बाद किस तरीके से इसका ग्रोथ पीरियड रहता है, शॉर्टली पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, उसी के तरीके से पतला मोटा और मोटा और थिकनेस, चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा और दसवा, जिस तरीके से हाइट बढ़ी चार साल में उसी तरीके से थिकनेस बढ़ी पांचवे छठे सातवें आठवें नौवें दसवें साल में, इस तरीके से बढ़ती जाएगी। ये चौथा साल है, चौथा साल थिकनेस बढ़ेगी। दूसरा, जब भी पत्ते गिरेंगे बीच में पहले दो साल तक हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, चीज आगे एग्रीकल्चर में ला सकते हैं, लेकिन तीसरे साल के बाद में या तो हम क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करें, क्रॉप को चेंज करें, और बीच में जो पत्तियां गिर रही है उसको उसी में रहने दें, उसी में से खाद बनता जाएगा और उसी मिट्टी को वो और फलद्रुप बनाने में मदद करेगा। ये चीज थी बांस की खुद की, बांस क्या और किस तरीके से वो चार साल के अंदर में हमें आगे बढ़ाना चाहता है। हम करते क्या है, लगाने के बाद में हम बीच बीच में क्या करना, कैसे करना, क्यों करना, पास वाले ने ये किया, मुझे ये करना, और कई जगह पर मिस गाइडलाइन भी होती है, इसमें ये डालो वो डालो। हाँ, डालना तब है जब उसको कुछ जरूरत है, जब उसमें जरूरत ही नहीं है तब उसके अंदर में डालने का कोई मतलब नहीं है। जमीन के अंदर में जो है वो खुद बने, खुद देवे। इकोसिस्टम बांस के एक पेड़ की बात नहीं है, किसी भी पेड़ को ले लो, जो थंब रूल समझाते हैं वो थंब रूल सिमिलरली है, सबके सिमिलरली है। जहां तक पत्तियां गिरते हैं वहां तक ही उसके रूट रहते हैं, कैनोपी वहां तक ही मैनेज करनी रहती है, उसके अंदर में न्यूट्रिशन हमें तब डालने की आवश्यकता है जब हमें दिखे ये ग्रोथ लेवल पे कहीं अटक रहा है। हाँ, कई बार इसको वाटर स्ट्रेस भी देना रहता है, तीन महीने तक, दो महीने तक, एक महीने तक हम पानी नहीं देते, उतने रूट्स जो है वो आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ने के बाद जब उसको पानी मिलता है तो वो स्ट्रॉन्ग सूट्स जो है उसको बाहर छोड़ते हैं, तो एक साथ पांच पांच सात सात दस दस पोल्स जो है वो बाहर निकलना शुरू होते हैं। तो डिपेंड करता है आपके एटमोस्फियर पे, आप कहां पर हो। कहीं पे समुद्र किनारे की खारी हवा आती है क्षार वाली, कहीं पे धूप बहुत तेज रहता है, कहीं राजस्थान जैसी जमीनें होती है जहां पर पानी डालो तो फिर दो घंटे के बाद में डिहाइड्रेट हो जाता है या तो पेनिट्रेट हो जाता है, कहीं पथरीली जमीनें रहती है। हमें ये चीज को देखना है, जिस तरीके से हम एग्रीकल्चर करते हैं वही सेम सिनेरियो, एकदम इजी वे में, ना ज्यादा न्यूट्रिशन, ना ज्यादा पेस्टिसाइड, ना ज्यादा लेबर, एक बार लगाओ बार 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 आगे ले जाओ, वो वाली कहानी है। पहले एक डेढ़ साल के अंदर में हम अगर अपनी सारी सुविधा अपने को देखने के बाद में बांबू को दे देते हैं तो बांस हमें आगे 30, 40, 50, 60 साल तक सिक्योर करने में मदद करता है, पैसा देने में मदद करता है। चीज और ट्रेंड नहीं सिखाएगा, सिखाएगा हमें हमारा फॉर्म। हम सिर्फ आपको अलग अलग जगह पर जो हमें चीजें मिली है उसमें से थंब रूल बता सकते हैं, लेकिन आप क्रॉप डॉक्टर अपने ही खेत के खुद बन सकते हैं चीज को एनालिसिस कर करके। हम भी क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह जहां पर रहे हैं वहां से एनालिसिस की हुई चीज, कुछ नया वहां से सब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो सब्जेक्ट को समझते हैं, दूसरे दस जगह पर उसी के आंसर ढूंढते हैं और फिर आपको बताते हैं। सिमिलरली हम में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो पूर्ण हो, हमें पूर्णता की ओर आगे बढ़ने के लिए हर दिन शिष्यवृत्ति चाहिए, हमें रोज सीखने के लिए स्टूडेंट वाला दिमाग, स्टूडेंट वाला हृदय चाहिए। अगला कुछ भी बोले कुछ भी कहे, हम अपनी निष्ठा से उसको समझे, अपने यहां पर उतारे और देखे कि क्या हमारा अनुभव भी उनके साथ सेम बैठ रहा है। यदि बैठ रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बैठ रहा है तो क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़े। कई जगह पर हमें कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमारा बांस आगे नहीं बढ़ रहा है, हमने फलाना फलाना से लिया था, उनका ये अभी कुछ जवाब नहीं है, क्या आप गाइडलाइन देंगे। और जब हम वहां पर फोन करके देखते हैं, वीडियो कॉलिंग करके देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि बेसिकली खेत में पानी ही वो तब देते हैं जब उसके पास में एक्स्ट्रा पानी अवेलेबल हो, चाहे 30 दिन में दो बार। तो इस तरीके से अगर आप बांस को एक्स्ट्रा ही है और पानी देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसको रेगुलर बेस पे जो चीज चाहिए वो देनी पड़ेगी। अदरवाइज जो आ रहा है, जब आप उसको देने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर जो आ रहा है उसी में आपको संतुष्टता भी लानी पड़ेगी, मरेगा नहीं, रुक जाएगा, ग्रोथ पीरियड को रोक देगा। जिस दिन बारिश आएगी फिर से वो अपने हिसाब से पनपना शुरू कर देगा। चीजें ढेर सारी है, लेकिन ये दूसरा लेवल था कि क्या इसका मैच्योरिटी पीरियड है। एक बांस लगाने की स्टाइल जो हमने पहले पार्ट में देखा, दूसरे पार्ट के अंदर में जो स्टाइल से हमने लगाया है वो फास्ट क्यों ग्रोथ हो रहा है, खुद की कंपटीशन क्यों कर रहा है, चार साल के अंदर में मैच्योर हाइट में कैसे होता है, पांचवें साल से लेकर दसवें साल में थिकनेस कैसे बढ़ाता है, उस हिसाब से एकड़ पे 70-80 हजार रुपए से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक कैसे पैसा मिल रहा है वो उसकी थिकनेस समझा देती है। ये सारा खेल है चार साल का, कि चार साल तक पहला हार्वेस्टिंग नहीं आता है तब तक क्या रूपरेखा हमारे फार्म के अंदर में क्रिएट होगी। हमारे कई वीडियोस हैं, आप उस वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 6 महीने के पौधे के भी वीडियो है, साल के वीडियो है, 1.5 साल के, 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के, तो आपको मेच्योरिटी लेवल का फर्क दिखाई देगा। और वो भी फर्क दिखाई देगा कि 6 महीने का कोई एक फार्मर का और 6 महीने का कोई दूसरे फार्मर का, ये दोनों के वीडियो में सेम मटेरियल गया हुआ है, सेम बल्कुआ वैरायटी लगी हुई है, लेकिन फिर भी वहां पर मैच्योरिटी में ग्रोथ में अंतर है। वो कुछ नई कहानी नहीं है, किसी की जमीन पानी का फर्क है, किसी का पानी देने का स्टाइल का फर्क है, और किसी का एक प्यार जो है, वो जो एक रिलेशन है, जो एक अपनापन है, उसका फर्क है। हम सारी चीज को इकट्ठा करके अगर सही तरीके से एक आदर्श नीति अपने फार्म की बना ले तो आराम से काम हो सकता है, चाहे खुद करे चाहे किसी से करवाए, चाहे खुद के खेत में करे चाहे दूसरों के लीज पे खेत पे करे, या तो अपने ही खेत में किसी को बुला के करवाए,
या पार्टनरशिप बेस पे भी किसान के साथ करें। फार्मिंग इटसेल्फ अ क्रिएटिव, यहां पर कैलकुलेटिव चीज सिर्फ आपके ऑफिस पे, मेरे ऑफिस पे या एक वीडियो या एक पेज के अंदर में लिखकर हो सकता है। मेहनत करना अपना काम है, देना उसका काम है। अगर हम सही निष्ठा से पूर्ण रूप से काम करते हैं खेत में तो देता वो 100% है, कैलकुलेशन से भी कहीं ज्यादा देता है। अपना भाव होना चाहिए हम किस दौर पे किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। चार साल, उसमें से पहले दो साल जैसे छोटे बच्चे को हम बड़ा करते हैं, रोज बात थोड़ी खिलाती है, उसके बाद खुद वो समझता है, खुद सीखता है, खुद अपना काम करने लगता है, वैसे ही पहले दो साल अपने को केयर करना है। तीसरे चौथे साल वो खुद दिखा देगा कि मैं क्या हूं। पांचवे साल से वो इनकम देना स्टार्ट करेगा, जब तक वो रहेगा तब तक इनकम देता रहेगा। उसके थोड़े बहुत चीज को समझना जरूरी है और वो समझाने के लिए किसान पाठशाला, ऑक्सीजन पार्क दोनों यूट्यूब चैनल्स आपके साथ में है, बी किसान की पूरी टीम के साथ। मैं फिर से आपको इसी चैनल पे मिलता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।